गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक लव इंडिया का सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपके भाई ना मॉर्निंग उठ के तैयार हो चुके हैं फाइनली। तो पगड़ी ना दो जनों मिलके उसको पहले सजाना पड़ता, सजाए बाद में फिर पगड़ी बनना पड़ता। तो इस साइड ना थोड़ा पट्टी टाइप में आता, तो वो दो जनों मिलके नहीं सजाए, मैं अकेले ही ना, मतलब बिना सजाए हुए भी बन लिए तो ना अपने को इस तरह आता, मतलब भाई सीधू मूसेवाला बनते ना बिना पट्टियों के, उस तरह कुछ अपन भी बन चुके। देख सकते कितना बढ़िया लुक आ रहा ना ये, ना मतलब ये पट्टी नहीं दिखे ऐसा बंदेंगे बोल के सोचा मैं, लेकिन ऐसा आ गया बनते बनते। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया है। अपना केसरी रंग जो है मेन कलर है, तो इसीलिए रख चुका हूँ, ये बहुत बढ़िया लुक आ रहा। और ब्लैक कलर का अगर पट्टी आया तो ना और अच्छा लगता था। तो फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ। उपेंद्र जीत सिंह अभी रेस्ट करे, नहीं उठे अभी, किचन में रोटी बना रहे थे, जो अपन नाश्ता कर लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, गुरुद्वारे को जाएंगे। ऐसा भी ड्यूटी का टाइम और आपने को छुट्टी वगैरह कुछ भी ऑप्शन नहीं है, जुलूस को नहीं जा पाते अपन, इसीलिए ना अभी क्यों ना अपन गुरुद्वारे को जाएंगे। गुरुद्वारे को जाके महाराज के दर्शन करेंगे, महाराज के दर्शन करके फिर ड्यूटी के वास्ते निकलेंगे अपन। बाहर ना मौसम इतना खराब मोमेंट दिख रहा ना, मतलब जुबली बंजारा इसके तरफ बारिश हो रहा करते। अभी मेरा एक फ्रेंड कॉल कर चुका है, तो उधर से बारिश हो रहा, इधर भी उसी तरह कुछ मोमेंट दिख रहा, लेकिन गिर रहा नहीं। यहाँ पर थोड़े बहुत छींटे गिरे, उसके बाद में रुक गया, कभी भी हो सकता बारिश। तो पूरा बारिश का मौसम है, आप लोगों को बताता हूँ, देखो आप लोगों कितना ठंडा ठंडा मौसम सा लग रहा ना, तो बारिश गिरने का मोमेंट है, कभी भी बारिश हो सकता, देख सकते आप लोग। तो जितने भी सरदार भाइयाँ हैं, सिंह सजे अमृत सके सिंह सस्ते, तो उसके बाद में ना फिर पक्के सिंह बन जाते। तो आज का डेट ना उसी दिन है, जितने भी सरदार भाइयाँ हैं सिंह सजे सो दिन है आज, इसीलिए नगर कीर्तन अपने को हर साल इसी तरह निकाला जाता, बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता अपने को। लास्ट ईयर मैं गया था, आज ना फिर अपने को ड्यूटी के कारण अपन छुट्टी नहीं ले पाते, मतलब छुट्टी ना बार बार नहीं ले पाते, इमरजेंसी में अपने 4 वीक क्लास रहते वही इस्तेमाल कर लेना अपन, उसके बाद में फिर अपने को नहीं मिलते बार बार। और साथ साथ ना आज ये एक अपना प्रोग्राम तो है, अपना फेस्टिवल तो है आज के डेट में, और एक इम्पॉर्टेंट काम भी है अपने को। क्या बोले तो हैदराबाद के अंदर ना 125 फीट्स अम्बेडकर स्टैचू भी ओपन होने वाला है आज के डेट में, तो सीएम केसीआर साहब ओपन करने वाले हैं, वो भी एक प्रोग्राम है। और साथ साथ जितना भी मीडिया है वहाँ पर ही रहते, तो अपन भी उसी मीडिया फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो अपने को भी ड्यूटी जाना ज़रूरी है, तो इसलिए जाना पड़ता अपने को। चलो फ्रेंड्स, कभी कभी ना अभी मैं एक वीडियो अपना का अभी बाकी है, क्यों अपलोड नहीं हो पा रहा बोले तो, अगर मोबाइल के अंदर स्टोरेज ज़्यादा हो गया तो उसमें अपलोड होने में दिक्कत हो जाता, तो जितने भी फोटोज से जितने भी वेस्टेज वीडियो से डिलीट कर चुका हूँ, फिर भी अपलोड नहीं हो पा रहा, इस तरह दिक्कत आते रहते। देखो इसीलिए कभी कभी वीडियो लेट भी हो जाता, ये वीडियो कब अपलोड करता हूँ भी पता नहीं है, अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके वास्ते। तो चलो फ्रेंड्स, फाइनली अपने वास्ते नाश्ता रेडी है, नाश्ता कर लेंगे, नाश्ता कर लेके निकलेंगे अपन। गुरुद्वारे को आ चुके हैं फ्रेंड्स, दर्शन कर लेंगे बाबा जी के। वाहेगुरु वाहेगुरु। दर्शन हो गए, चलो अभी निकलेंगे ड्यूटी के वास्ते। फ्रेंड्स गुड इवनिंग सारे जनों को, ड्यूटी से जस्ट अभी आ चुका हूँ, 5 मिनट्स हो रहा मैं आके, तो थोड़ा फ्रेश अप हो चुका हूँ अभी ना अपने को ड्यूटी से जल्दी आए हुए। तो उपेंद्र जीत सिंह कॉल कर चुके हैं, राजू के दीदी, राजू तो यहाँ पर नहीं है, राजू के दीदी यहाँ पर ही रहते, तो उनके नंबर से कॉल कर चुके अपने को उपेंद्र कॉल करके, पापा जुलूस को जाएंगे बोले ऐसा बता रहे थे। तो नगर कीर्तन अमीरपेट गुरुद्वारे में आपको जैसा कि मॉर्निंग बताया था ना, तो वो जुलूस निकलने वाला है, ऑलरेडी निकल चुका है अपन, पहुँचे तक 7 o'clock होता, तो आधे रास्ता तो आ जाता जुलूस, तो अपन जब तक जाके अटेंड हो जाएंगे। उपेंद्र जीत सिंह को जुलूस देखना है, साथ साथ उपेंद्र जीत सिंह को भी जुलूस बताया जैसा होता, और साथ साथ अपन भी अटेंड होते, महाराज के भी दर्शन कर लेके आ सकते अपन। तो चलिए फ्रेंड्स जाएंगे उपेंद्र जीत सिंह को, फिर वहाँ से पिकअप करना है अपने को, रूम करने से राजून के रूम करने से पिक करके फिर अपने को जुलूस के वहाँ से जाना है। और साथ साथ शस्त्र भी लेके जाएंगे अपन। शस्त्र क्या है बोले तो तलवार, हम लोग शस्त्र बोला जाता, थोड़े जनों शस्त्र को तलवार बोले ऐसा बुलाते, लेकिन असल में है शस्त्र, तो शस्त्र लेके जाएंगे अभी साथ में। ऐसे टाइम पे यूज़ करा जाता, मतलब जब भी जुलूस निकालते, शादियाँ होते, बारातियाँ निकाला जाता, महाराज के जितने भी जुलूस होते, फेस्टिवल होते, उस टाइम पे शस्त्र को कंपलसरी हम लोग यूज़ करते, तलवार शस्त्र घुमाते करते, तो इसीलिए यूज़ करते, लेके जाएंगे महाराज के दर्शन करके आएंगे अपन। चलिए फ्रेंड्स, वैसे ही साथ साथ मॉर्निंग तो अपन नहीं कर पाए क्योंकि तो गोप्रो के अंदर ना बिल्कुल चार्जिंग नहीं था, तो पावर बैंक से चार्जिंग लगाया था, डीके के अंदर फुल हो चुका है, अभी भी आते आते कुछ भी नहीं करा, अभी जाते जाते भी करेंगे मोटो ब्लॉगिंग जितना भी हो सका, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा स्टोरेज भी रहे तो अपलोड होने में दिक्कत हो रहा, तो जल्द से जल्द अपने को फिर लैपटॉप भी लेना है, लैपटॉप लिए तो अपने को फास्ट अपलोड कर सकते हैं अपन। तो सपोर्ट करो भाई को, इसी तरह आगे बढ़ाते रहो, आप लोगों की सपोर्ट रहना बहुत जरूरी है। कंटेंट्स नहीं आए तो भाई आपके कंटेंट्स नहीं आ रहे बोले ऐसा पूछते, बहुत सारे
प्यारे भाई हैं अपने, अगर लाए तो क्या कि उसको सीधा सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए ना आप लोगों को रिक्वेस्ट मेरे तरफ से, मतलब मैं ऐसे चीज़ों पे ना मैं ज़्यादा ये नहीं करता हूँ, फोकस नहीं करता हूँ, मतलब रिक्वेस्ट करना इसी तरह मैं अपना मेंटालिटी नहीं है, लेकिन आप लोग आपके भाई मेरे भाइयाँ हैं तो आप लोगों को पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, तो रिक्वेस्ट करूँ आप लोगों को सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट करो, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है वो बताओ मेरे को, तो कुछ भी इंप्रूव करना है तो उसके बारे में भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फाइनली जाएंगे अपन, लेट हो रहा, ले लिया हूँ मैं, हाँ रेडी है पापा निकलने का वास्ते, उपेंद्र जी सिंह को लेकर चलेंगे। क्या है उपेंद्र जी सिंह को दूसरा पढ़ना बंद के तो रेडी करके अभी लेके जा रहे, टाइगर वाला टी शर्ट पहन लिया न्यू वाला, बहुत बढ़िया लुक आ रहा ना देखो, वाह टाइगर को टाइगर का टी शर्ट। चलो जी सिंह को कुछ गिफ्ट आया करते बता रहे, देखो बताओ बेटा। चलो गन गन, वो गन गिफ्ट आया उपेंद्र को, बढ़िया चलो आए बाद में चला के बताएंगे, बताओ। वाह सुपर सुपर, चलो जाएंगे तो फाइनली गोप्रो ऑन कर चुके हैं। क्यों बोले तो ना, एक तो मेरे को डस्ट एलर्जी इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा डस्ट एलर्जी है मेरे को, बिना स्पेक्स के तो मैं गाड़ी नहीं चला सकती हूँ, ऐसा है। तो फाइनली फाइनली सिग्नल के पास रुके तो अपना गोप्रो ऑन कर चुके हैं और साथ साथ मेरे को भी सेफ्टी है, तो कितना बढ़िया है ना। तो अभी बहुत सारे भाई अपने एरिया से जा रहे हैं जुलूस के वास्ते, मतलब लेट हो जाता बोले ऐसा, गोप्रो ऑन नहीं करते, फाइनली फाइनली जाके अपन ऑन कर चुके हैं। तो देख सकते नज़ारा कितना बढ़िया है, नाइट का व्यू आप लोग देख सकते हैं। तो अपने को ईजी ना हाफ एन आवर तो लगना ही है, हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स, क्योंकि ना अब इस टाइम पे ना बहुत सारा भीड़ रहने वाला है, क्योंकि अभी रमजान का महीना है तो बहुत सारे जनों मतलब फास्टिंग छोड़ने आते, रोजा छोड़ने आते, इसीलिए थोड़ी ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता। तो वाह बस देखो कैसा पलटा है, इतना बड़ा ऐसे जो ना बहुत देख समझ के रहना पड़ता अपने को, कोई पीछे से स्पीड आते रहते तो मेन कारण क्या है ना, मेरे आंखों को तो मतलब बिल्कुल थोड़ा भी मैं 5 मिनट्स भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इतना डस्ट मैं मानता हूँ, मतलब डस्ट एलर्जी बोले ऐसा, आंखों को थोड़ा भी अगर धूल गिरा बोले तो मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, इतना दिक्कत हो जाता मेरे को, इसलिए फाइनली फाइनली गोप्रो भी ऑन कर चुके हैं और साथ साथ अपने आंखों को भी सेफ्टी हो गया अभी। हाँ बेटा हाँ बुलेट 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 बुलेट, हाँ ये भी बाइक ना बहुत फेमस हो चुका है बाइक, अभी नहीं बोलते 180 तक चलेगा उसका प्राइस, तो इतना डिमांड हो गया। उपेंद्र जीत सिंह पीछे बैठे टाइगर साहब, क्योंकि उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा पीछे नजारा देखते हुए भी ट्रैवल कर सकते हैं, और साथ साथ अपने को भी ना अभी मोटर ब्लॉक कर रहे तो अपने को भी व्यू बढ़िया रहता, नहीं तो कभी भी ना सामने बढ़ते तो मोटर ब्लॉकिंग ठीक से नहीं कर पाते अपन। ये जो स्पीड ब्रेकर्स है देखो, छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स है ना, इतना हेडेक कर देते हैं ना, मतलब एक तो गाड़ी भी खराब और साथ साथ अपन भी ये हो जाते, स्ट्रेन हो जाते ऐसे स्पीड ब्रेकरों पे, दिमाग खराब हो जाता रहते थे। तो कुछ ऐसे ही कुछ जुलूस जा रहा था तो अपन इमरजेंसी में ना बहुत स्पीड जाके एक चौरसा आता है, मना चौरसा था वहाँ पर ना मैं सडनली ब्रेक मारा तो थोड़ा मट्टी जैसा था और साथ साथ टायरों भी थोड़ा ओल्ड वाले थे, तो स्किडो के ना गिर गए, तीनों भी गिर गए, राइट साइड बैठा गिर गए। तो उपेंद्र जी सिंह ना जस्ट में थोड़ा मतलब उनके सिर को भी मार लग सकता था बहुत जोर से, तो बच गए, मतलब तेजू का हाथ था तेजू को मार लगा, मेरे को भी थोड़ा पैर को मार लगा। उपेंद्र जी सिंह ना मतलब गिरे बाद में ऐसा हंसने लग रहे थे, छोटे थे ना हंस रहे थे, मतलब उनको भी इतना मालूम नहीं रहता ना उस उम्र में। नहीं उपेंद्र बढ़िया, वाह कितना अच्छा, ठंडा भी है, मैं जब ऑफिस से निकला था ना इतना गर्मी गर्मी हो रहा था ना मुझे, फिर घर को आके फ्रेश हो चुके जरा अभी ठंडा महसूस हो रहा, अच्छा दिख रहा, और जब भी ट्रैवल अपन गाड़ी पे जब ट्रैवल करते तो अच्छा लगता जरा। हाँ अभी उतरने की जरूरत नहीं है, देख सकते हैं ऐसा सिग्नल्स के पास ना पूरे गाड़ियां गाड़ियां कारें कारें ठहरे हुए रहते हैं, कलर कलर लाइट्स ऐसा ब्रेक लाइट्स से अच्छा भी दिखता ना दिखने में। अपने लेफ्ट में ना किया कैनवल है, किया कैनवल है, इतना बड़ा गाड़ी है ना, मैं चला चुका हूँ, बहुत कंफर्टेबल ही रहता। हाँ आप लोगों को मैं मॉर्निंग का एक किस्सा बताता हूँ, मैं जब ड्यूटी को गया था, जितने भी प्रेस वाले हैं ना, प्रेस वालों को तेलुगु तली फ्लेवर है, उसके बाद सेक्रेटेरिएट जाते हैं अपन, तो वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे, फिर हमारे जो कंपनी के जो है एम्प्लॉई उनको ना मतलब ढकल दिए, वो भी रिपोर्टर को ढकल दिए, फिर साथ साथ ऐसा ढकल रहे, देखिए ना मैं कंटेंट बना मतलब वीडियो बना रहा था मोबाइल के अंदर, वीडियो बना रहा था, तो
तो वीडियो बना रहा था मैं, उन्होंने देख के ना मेरा मोबाइल भी खींचने लगे, मतलब मैन हैंडलिंग कर रहे थे, हाथा उठाना सारा कुछ कर रहे थे, फिर इमीडिएटली मैं ग्लासेस उठा दिया हूँ, सी ए वगैरह ऐसा कुछ से हूँ ना, तो देखो ऐसा रोडिज्म भी कर रहे, देखो पुलिस वाले आप लोग देख सकते, मतलब ड्यूटी करने की जगह ना मैन हैंडलिंग मतलब कितना बड़ा भी होता ना, दीजिए ना दिखे, नहीं नहीं पहला सिग्नल नहीं, ये अभी अभी एक सिग्नल पार करें ना, अभी वो सिग्नल कहाँ से लेफ्ट, उपेंद्र बता रहे थे कि मतलब हाँ इधर ही था, उपेंद्र बता रहे थे कि मतलब दद्दा को हॉस्पिटल में बताए थे ना, वो इधर ही था ना बोले, ऐसा पूछ रहे उपेंद्र, तो ये बिल्डिंग ना मेरे को बहुत बढ़िया दिखता लाइटिंग के मामले में, देखो कितना अच्छा नजर आ रहा है ना, सही बात है, वाह वाह वाह, ट्रैफिक जाम देखो इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम है, टू मच ट्रैफिक जाम है, जितने भी अपने भाइयां हैं रॉन्ग रूट में जा रहे, रॉन्ग रूट में जा रहे क्योंकि वो पूरा ट्रैफिक जाम है, उन्होंने इधर से पलट के जाओ बोल रहे, अपने को जाना है अमीरपेटी, अपना जुलूस यहाँ पर ही है, तो वही मेरे ख्याल से ट्रैफिक जाम दिख रहा, आगे से राइट ले लो जी, आगे से राइट ले लो, अपने को मालूम है जो आ रहे आने दो, जो नहीं आ रहे उनको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब उनको चले जाएंगे, आ रहे वेरी गुड, चलो 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 कोई बात नहीं, तो अपन ना रॉन्ग रूट थोड़ा सा आके फिर शॉर्टकट से भी चले जा रहे हैं अपन, तो ये भी मेन रोड ही निकलता, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को यहाँ का रूट मालूम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ये भी बिल्डिंग देखो कितना शानदार लुक आ रहा है, बढ़िया है बढ़िया, अरे महेश बाबू की बिल्डिंग यहाँ पर नहीं है बेटा, फिल्म नगर में है, वहां नहीं जा रहे अपन, अमीरपेट जा रहे अपन, उपेंद्र जी सिंह बता रहे थे कि मतलब वो बिल्डिंग महेश बाबू की दिख रही है, बिल्डिंग हीरो महेश बाबू, चलो बढ़िया, अपन ना गोप्रो को चार्जिंग लगा के बहुत अच्छा करे मॉर्निंग, पावर बैंक रहने का एक फायदा है, ये देखो पुरानी मस्जिद है, देखो कितना बढ़िया लुक आ रहा ना, क्या बोल के हैं, अच्छा क्या है बोल के पूछ रहे हैं, बोलना था कैमरा है बोल के, हाँ मतलब जुलूस यहाँ तक नहीं आया, तो अब ना यहाँ से राइट चले जाना अच्छा है, पेपर तो दिख रहे हैं यहाँ तक, निकल गया क्या जुलूस इतना जल्दी, जुलूस तो नहीं गया होगा इतना जल्दी, चलो 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 चलो, अरे जुलूस यहाँ तक, यहाँ गली में से चले आएंगे अब, ये भी एक शॉर्टकट है, यहाँ से गली में से आता, एक बार आया था मैं, देखिए सुपर सुपर सुपर, तो गाड़ी लगाने को जगह ढूंढना पड़ता अपने को, देखेंगे कहाँ पर जगह है, बाहर बाहर ही रखना पड़ता, नहीं बोल तो मुश्किल रहता, वाहेगुरु, चलो अपना गाड़ी का इंतजाम यहाँ पर करेंगे, चलो वाहेगुरु वाहेगुरु, हाँ